हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्स टीम्स। तो कैसे हो आप सब? तो नॉर्वेजियन लीग का मैच है, मैं वीडियो बनाने में ऑलरेडी लेट हूँ, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आर ओ एस बी के बीच वर्सेस केआरएसटी के बीच मैच होने वाला है, तो इस मैच की फाइनल टीम इधर पोस्ट करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। पिछला मैच भी जोरदार अल्ट्रा क्लीनशिप के साथ हासिल किया हम लोगों ने, और जो लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं भेजे वो भेज सकते हैं मुझे, और इस लिंक नीचे है। और हम सेकेंड बात करें कि हम इस वीडियो में किसी भी चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। बात करूं मैं इस मैच की, तो यहाँ पर हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया, वो हमने डबल साइडेड बनाया, मतलब ना कि मैं आरओएसबी के साथ हूँ ना कि मैं केआरएसटी, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की सा मैच नहीं, मतलब क्या रिस्की मैच है, रिस्क सेफ होता तो हम सिंगल साइड जाते। तो बात करूं गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा फर्स्ट प्लेयर एस मैकडॉर्मेट को, एस मैकडॉर्मेट जो कि एक नॉर्मल प्लेयर है। सेकेंड बात यह कि ये प्लेयर काफ़ी ज़्यादा सेफ है, जिसमें कि मतलब हर जो भी प्लेयर गोल करने की कोशिश करे चाहे तो रोक सकते हैं, जितने भी स्ट्राइकर्स हैं। और केआरएसटी की स्ट्राइकिंग जो है वो ठीक है, और लेकिन आरओएसबी की स्ट्राइकिंग थोड़ी तेज़ है, जिस कारण मैंने गोलकीपर इस टीम का इसलिए चुना है क्योंकि इसको गोल रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट का जोर रहेगा। बात करूँ डिफेंडर की, तो ई डहल को लूँगा यहाँ पे। एरलन डहल रिटर्न ने पिछले मैच के अंदर विदाउट क्लीन शीट ज़बरदस्त असिस्ट की थी, ज़्यादा पासिस ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बट इन्होंने जब असिस्ट की थी तो लिटरली वो देखने वाला माहौल था। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, बैसिम को लूँगा। बैसिम ने पिछले मैच के अंदर कुछ ना करते हुए, मतलब विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी असिस्ट, इस प्लेयर ने 26 पॉइंट्स अचीव किए थे और इसका ड्रीम टीम में नाम भी आया था। एंड ए एंडरसन की बात करूँ, एडम एंडरसन को मैं एज अ की प्लेयर ले रहा हूँ, सिलेक्शन कम है, काम का फायदे का मंद प्लेयर है ये। आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर, इसका नाम है क्रिस्टोफर जैसा प्लेयर मिलना ही बहुत बड़ी बात है, और इस टीम के पास क्रिस्टोफर जैसा इतना तेज तरार प्लेयर है जो कि हर मैच के अंदर गोल करने की हिम्मत रखता है, ऐसा प्लेयर कहीं नहीं मिलेगा। एंड आगे से बात करूँ सी हॉल्स की, तो ये कार्लो हॉल्स को लूँगा। कार्लो हॉल्स भी यहाँ पे काफ़ी काम का प्लेयर एंड वाइस कैप्टन के लिए टॉप की पिक्स, ये दोनों प्लेयर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। एस कार्टम की बात करूँ, एस कार्टम यहाँ से बढ़िया प्लेयर है। एंड सैंडर कार्टम और नीचे से एक प्लेयर है, एक और प्लेयर, इसका नाम है एगन मुकुली। आज के मैच के अंदर गोल करने के चांस है 70%, सिलेक्शन कितनी है सिर्फ 9%, और गोल करने के चांस 70%। अगर ये प्लेयर गोल कर गया और मेरी बात सच होती है तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये प्लेयर सब्स्टिट्यूट जल्दी होता है, लेकिन उस बीच के अंदर अगर ये गोल कर जाता है तो देखने वाला बात होगा। और आगे से बात करूँ एक एज अ नॉर्मल असिस्टर ऑल्यूस को, ये ज़्यादा मैचेस नहीं खेलता, क्या पता ये आज के मैच में खेले भी ना, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा। बात करें स्ट्राइकर की, देन जी मॉलिंस को लूँगा यहाँ पे। जी मॉलिंस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए अच्छी पिक है। एंड सेकंड बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि एक और कैप्टन की अच्छी पिक, फैरिस को, ये दोनों कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छी पिक्स हैं, दोनों अलग अलग टीम के हैं, और साथ ही साथ अगर आप जीएल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो आप दोनों साइड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना कि काम आ सके टीम। एंड आगे से बात करूँ कैप्टन की, कैप्टन जो मैं रख रहा हूँ वो है क्रिस्टोफर एंड वाइस कैप्टन है सी हॉल्स। तो ये मेरी टीम, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय, आपका दिन शुभ रहे।